प्रयागराज में माफिया अपराधियों के अवैध साम्राज्य के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। जनपद के गंगा पार के नवाबगंज इलाके में समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख गौ तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। गौ तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर की नवाबगंज स्थित 2.5 करोड़ की अवैध संपत्ति को प्रयागराज पुलिस ने गैंगस्टर के तहत कुर्क किया है। मुजफ्फर के खिलाफ प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भदोही समेत कई अन्य जगहों पर मुकदमे दर्ज हैं। मौजूदा समय में मोहम्मद मुजफ्फर जेल में बंद है। गैंगस्टर एक्ट के धारा 14(1) के तहत गौ तस्कर और माफिया मुजफ्फर की संपत्ति कुर्क की जा रही है, जिसमें उसकी एक संपत्ति जिसकी अनुमानित मूल्य 2 करोड़ के आसपास है, ग्राम चफरी में एक भूखंड पे पक्का मकान था, वो कुर्क किया जा रहा है। साथ ही साथ आज एक और उसकी प्रॉपर्टी हथगहाँ में है, जिसकी अनुमानित मूल्य लगभग 50 लाख की है, वो भी आज कुर्क होगी। लगातार शासन और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार जो माफियाँ हैं, जो गैंगस्टर हैं, उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई प्रचलित है, उसी के क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है। आगे भी जो चिन्हित माफिया हैं उनकी संपत्तियों का, अपराध से अर्जित संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है और इनकी जब्तीकरण की कार्रवाई आगे भी इसी तरह चलती रहे। सर, अभी और कितनी कार्रवाइयाँ इसमें होनी हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया कि जैसे जैसे इनकी अपराध के द्वारा अर्जित संपत्तियों का पता चल रहा है, हमारी टीमें लगी हुई हैं, लगातार इस पे काम कर रही है। सभी चिन्हित माफियाओं की अवैध अर्जित संपत्तियों का पता लगाने में हमारी टीमें लगी हुई हैं। जैसे जैसे संपत्तियां प्रकाश में आ रही हैं, उसी तरह से हम लोग लगातार इसको धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कराते जा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रयागराज पुलिस पिछले 2 सप्ताह के भीतर कुख्यात गौ तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर को बड़ी आर्थिक चोट पहुंचाई है। अब तक मुजफ्फर की 20 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को गैंगस्टर के तहत कुर्क किया जा चुका है। इसके पहले पूरा मुफ्ती, धूमंगंज और खुल्दाबाद में 3 अलग-अलग संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है। वहीं गुरुवार को नवाबगंज के चफरी गांव में बने आलीशान मकान को गैंगस्टर के तहत कुर्क किया गया है। वाले को हमको घर थोड़ी मिल जाएगा, वो फाड़ जाएगा।